गुड मॉर्निंग सर, आप लोग को हम बता रहे थे बीएमटी, तो बीएमटी के तहत हम बता रहे थे ग्रुप ए का पार्ट। तो ग्रुप ए का पार्ट जो आपका ये प्रोग्रेशन है, तो प्रोग्रेशन के तहत आपको हम बता चुके थे एपी कंडीशन। एपी जो होता है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इस अर्थमेटिक मीन के तहत आपको हम कंटेंट बताए थे कि एपी क्या होता है। तो एपी होता है डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच का मान जो बराबर होता है ना सर, डिफरेंसेस, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो उसी एपी के बाद अगला टॉपिक था हमारा जीपी। तो जीपी के तहत आपको बताए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके तहत बताए थे आपको टाइप वन, और टाइप वन में बताए थे आपको हम कि टीएन का फॉर्मूला होता है हमारा ए आर एन माइनस वन, गुड, जहां ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, आर होता है हमारा रेंज जिसका फॉर्मूला होता है हमारा टी टू बाय टी वन इजल टू टी थ्री बाय टी टू, और एन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो इसी कंडीशन के आधार पे आपको एपी के तहत क्वेश्चन बताए थे। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन बताते हैं आपको, हम बता रहे थे एक्सरसाइज 2A। जैसा कि अभी दुर्गा पूजा समय चल रहा है, तो आप लोगों को दुर्गा जी की पूजा की बधाई, और घर में हैं तो आराम से हमारे वीडियो के तहत जो भी टॉपिक है उस वीडियो को देखें, आप क्वेश्चन बनाए। तो आपको हम बताने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सरसाइज 2A के तहत हम आपको बताए थे फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अब इसी कंटेंट के आधार पे हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट 10 टर्म, और आपको निकालने बोला है जीपी। तो करना कुछ नहीं, हम लोग जान रहे हैं कि इस कंडीशन में टी एन यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन। इस प्रश्न में ए हो जाएगा हमारा 2, आर रेंज टी टू बाय टी वन, तो टी टू मेरा 4 है, टी वन 2 है, ये 2 निकलेगा, और नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब इसी कंडीशन के आधार पर पुट आउट करेंगे, तो ए का मान 2 हुआ, आर का मान भी 2 हुआ, पावर मेरा 10 माइनस वन, तो 2 इंटू 2 पे पावर 9, ये इंटू कर देंगे जो आंसर आएगा, ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तहत सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब इसके तहत टोटल कंप्लीट क्वेश्चन आपको हम बता चुके थे 2A के तहत। 2A के तहत हम आपको क्वेश्चन बताए हैं टाइप 1 के तहत, फोर्टीन क्वेश्चन। अब टाइप 2 के तहत हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, तो टाइप 2 के तहत हमारा क्वेश्चन है, बोला हमारा क्वेश्चन 15 कि एपी का जो तीन संख्या है, बोला थ्री नंबर हूज सम इज 15 आर एपी, मतलब तीन संख्या एपी का है जिसका सम बोला है 15, क्या बोला 15। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको बता चुके थे एपी का जो तीन संख्या होता है लेट वन लेट टू लेट थर्ड, ये हमेशा डोंट कहता है ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो इन तीनों का सम बोला है ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी बोला है 15 है। बी और बी कट गया, यह हो जाएगा 3A इक्वल टू 15, ए इक्वल टू 15 बाय 3, तो यहां आएगा 5। अब तीनों कंडीशन बोला है 1, 4 और 19 को ऐड कर देना है और इसको जीपी टर्म में तोड़ना है। तो हम जान रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म ए माइनस बी है, इसमें 1 ऐड करना है, सेकंड टर्म ए है इसमें 4 ऐड करना है, थर्ड टर्म बी है इसमें ऐड करना है 14, 1 4 19, इसमें आपका 19 प्लस करना है। कंडीशन में ए का मान जो हमारा है 5 है, माइनस बी प्लस 1,
ये हो जाएगा 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 प्लस बी प्लस 19, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस बी टी 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24 प्लस बी। तो ये कंडीशन टी 1 हो गया, ये टी 2 होगा, ये क्या हो गया टी 3। अब इसी कंडीशन के आधार पर हमको जीपी तोड़ना है, तो जीपी जो होता है टी 2 बाय टी 1 और टी 3 बाय टी 2। तो टी 2 का मान मेरा है 9 और टी 1 है 6 माइनस बी, टी 3 मेरा 24 प्लस बी और ये है 9। ये 9 क्या है 81 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 माइनस बी इंटू 24 प्लस बी, ये 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 6 बी माइनस 24 बी और माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट करते हैं तो यहां पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 18 बी, क्योंकि यहां माइनस 18 है, इधर है प्लस 18 बी, माइनस 144 प्लस 81 इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर प्लस 18 बी माइनस 363 इक्वल टू जीरो। अब ये 63 को गुणनखंड विधि से एलसीएम से तोड़ेंगे जिससे मेरा 18 बी आए, तो बी स्क्वायर प्लस 21 बी माइनस 3 बी, क्योंकि 21 3 का 63 होता है, माइनस 63 इक्वल टू जीरो। यहां बी कॉमन लेंगे तो बी प्लस 21 माइनस 3 बी प्लस 21 इक्वेशन दो आया, तो अब होगा बी प्लस 21 इंटू बी माइनस 3, नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव लेते हैं तो ये बी का मान आएगा मेरा 3। अब जैसे ही बी का मान आएगा हम लोग पुट आउट कर देंगे, हम लोग को पता है ए का मान जो हम लोग का है वो 5 है, कितना सर, और बी का मान निकला हम लोग का 3। इक्वेशन 1 2 3, 1 जो है ए माइनस बी है, ये ए है और ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 है प्लस, इसमें 1 ऐड कर देना है, इसमें 4 ऐड कर देना है, इसमें 19 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा हमारा 9, नहीं ये 3 हो जाएगा सर, ये आपका 3 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका हो गया हमारा 27। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया 3 9 27। गुड, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है ध्यान से देखेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन दिया है, 16 बोला हमारा क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स जीपी 216 और सम है 21। तो जीपी का जो 3 टर्म है, आप लोग को पता है जीपी का जो 3 टर्म्स होगा वो होगा ए बाय आर, ए और ए आर, तो ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर, ये दिया है 216, आर आर कट गया, ए पावर क्यूब डॉट 216, ए पावर क्यूब यह हो जाएगा 6 पावर क्यूब, क्यूब कट गया, ए का मान आ गया 6। और प्रश्न बोला है कि सम इनका दिया है 21, कितना दिया सर 21, तो लिखेंगे a बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 21। यहां a का मान हमारा है 6 बाय आर प्लस 6 आर इक्वल टू 21। यहां 1 है, यहां भी 1 है, इक्वेशन r लेंगे तो 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 21। अब करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 21 आर। ये 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 21 आर प्लस में 6 इक्वल टू जीरो,
सिक्स आर स्क्वायर माइनस 15R प्लस 620, 3 कॉमन लेते हैं तो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2R स्क्वायर 5R प्लस 2 इक्वल टू 0, 2R स्क्वायर 4 बन जा 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2R कॉमन लिए तो R माइनस 2 माइनस 1 R माइनस 2, तो R माइनस 2 इक्वल टू 0, तो R का मान कितना है 2। अब जैसे ही मान निकलेगा आपको ये पता है कि A का मान है 6 और R का मान है 2, आप इक्वेशन 1 2 3 में पुट आउट करेंगे, ये हो जाएगा 6 बाय R, ये 6 और 6 इंटू 2 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 3, ये 6 और ये 12। इसका आंसर जो होगा सीक्वेंस में वो होगा हमारा 6 3 6 12 3 6 12। इसी कंडीशन के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन दिया है कि जीपी का 3 टर्म्स जो है वो दिया 216 और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट पेयर 156 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 70 में जीपी का जो 3 टर्म है हमको पता होना चाहिए। पहला टर्म है ए बाय आर, ए और ए आर, तो ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर, इसका मान दिया 216, आर और कट गया तो ए पावर क्यूब बराबर 6 पावर क्यूब, क्यूब कट गया तो ए का मान मेरा 6 आया, एक मान क्या है 6। अब पेयर बोल रहा है, पेयर मीन्स होता है 1 एंड 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, इसका मान दिया हमारा है 156। अब पेयर को तोड़ेंगे तो 1 का मान मेरा है a बाय आर इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस a बाय आर इंटू ए आर बाय 156। a का मान 6 है, 6 बाय आर इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 आर प्लस आर और कट गया तो 6 इंटू 6 156, ये हो जाएगा मेरा 36 बाय आर, 36 बाय आर। तो 36 बाय आर ये हुआ 36 आर, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 156। अब इसको इक्वेशन तोड़ते हैं तो यहां पे आर एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 36 आर स्क्वायर प्लस 36 आर 156, 36 प्लस 36 आर स्क्वायर प्लस 36 आर 156 आर 156 आर। अब इसको तोड़ते हैं तो करना कुछ नहीं है यहां, लेकिन 36 आर स्क्वायर प्लस 36 आर प्लस 36 माइनस 156 आर, थर्टी सिक्स आर स्क्वायर प्लस 36 आर माइनस 156 आर प्लस 36 इक्वल टू 0, तो 36 आर स्क्वायर माइनस 120 आर प्लस 36 इक्वल टू 0, 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 12 आर स्क्वायर या 3 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो हमारा बचा 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो 3 थ्री 9, 9 को ऐसे तोड़ेंगे कि मेरा 10 है, तो करना कुछ नहीं यहां लिखेंगे 3 आर स्क्वायर 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 आर कॉमन लिए तो यहां हो गया आर माइनस 3 माइनस 1 आर माइनस 3, तो आर माइनस 1 0, तो आर का मान मेरा 1 आया, और अभी हम जस्ट निकाल थे ए का मान, तो ए का मान हो गया आपका 5 और आर का मान हो गया 1,
इसको आप इक्वेशन 1, 2, 3 में पुट आउट कर देंगे। जब पुट आउट कर देंगे तो ये मेरा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा ए का मान जो है वो 6 था, 5 नहीं, ए का मान आपका 6 है, 6। अब इसी कंडीशन को हम क्या करें, इक्वेशन 1, 2, 3 में पुट आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इजी पैटर्न बता रहे हैं, बसरते आप इसको ध्यान से देखिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन कंटेंट ये है कि आप हर क्वेश्चन को स्टेप बाय देखिए और हमारा पिछले वीडियो देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको सारा रूल इक्वेशन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 इजी है 19 इजी है 20 20 भी इजी है, बन जाएगा आपका 20। बोला हमारा ये मान है हमारा वही ईपी का 3 संख्या का जो बोला है मान प्रोडक्ट, बोला 1000 और समय 35। तो करना कुछ नहीं है, यहां जीपी के तहत सीक्वेंस हमारा है वो मेरा है ए बाय आर, ए और ए आर, तो ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इक्वल टू 1000। इससे आप मान पुट कीजिएगा ए का मान, तो ए पावर क्यूब और 10 पावर क्यूब, क्यूब और क्यूब कट गया तो ए का मान कितना आया 10, ए का मान कितना है 10। और सम बोला है ए बाय आर प्लस ए आर, ये है 35। हम क्या करेंगे, ए का मान पुट आउट कर देंगे और पुट आउट करने के बाद इसके पिछले टॉपिक की तरह से बताए थे सेम ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। मतलब करना क्या है, यहाँ ए का मान पुट करेंगे 10 बाय आर प्लस 10 आर इक्वल टू 35, आर एलसीएम नहीं है तो 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 35। अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 10 प्लस 10 आर, 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 35 आर, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 35 आर प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 10 इक्वल टू 0, 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 टू 4 और 4 बन जा 4, तो 4 और 5 हुआ तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, 2r कॉमन लिए तो r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2, तो r माइनस 2 इक्वल टू 0, r का मान आया 2। आपको पता होना चाहिए कि a का मान आपका 10 आया है और r का मान आपका आया 2। अब इस सीक्वेंस को हम इक्वेशन 1 2 3 में क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला हमारा x माइनस 2 x और x प्लस 3, x माइनस 2 x और x प्लस 3, ये निकालना है आपको x का मान। आपको पता होना चाहिए कि ये t1 है, ये t2 और ये t3 है, जीपी में मान होता है t2 by t1 और t3 by t2, तो ये हो गया x by x माइनस 2 और ये हो गया x प्लस 3 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x क्या हुआ, x स्क्वायर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, यहां हो जाएगा x स्क्वायर xx हो गया हमारा x स्क्वायर, x क्या हो गया x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x माइनस में 2x और माइनस में 6। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर कट गया, यहां हो जाएगा x माइनस 6, तो x का मान कितना आया 6 है, कितना है सर 6। अगला क्वेश्चन सेम 22 है, बहुत इजी है 22 में क्या कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बोला हमारा है कि इफ द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी टू बी 8, फोर्थ टर्म जो है उसका मान दिया 8, सेकेंड में बोला है टी 9 जो मान है वो 256 दिया है, T9 दिया है उसका मान दिया है 256, फिर बोला हमारा एंड टर्म निकालने बोला है, फिर लास्ट बोला आपको T64 निकालने बोला है T64। तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, T4 तोड़ते हैं
तो लिखेंगे टी फोर इज टू ए आर क्यूब। गुड, ये इसका मान मेरा 8 है इक्वल टू ए आर क्यू इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड कंडीशन में टी 9 तोड़ते हैं तो ए आर 8 होता है 256 बराबर ए आर 8 सेकंड। अब डिवाइड करते हैं तो यहां लिखेंगे ए आर 8 बटा ए आर क्यू इक्वल टू 256 बटा 8। एक कट गया तो r पावर हो गया हमारा 8 माइनस 3, ये निकलेगा हमारा 32 r पावर 5, तो 2 पावर 5 5 कट गया r का मान 2। अब इसको पुट आउट करेंगे t4 में ए आर क्यू, तो t4 का मान मेरा कितना है सर 8, a का मान तो दिया नहीं है इंटू आर का मान दिया 2 पावर क्यू, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1। ए का मान 1 है आर का मान 2 है, इसी के आधार पर तोड़ेंगे टी 64। क्या तोड़ेंगे टी 64, बोला हमारा 64 टर्म्स निकालना है। यहां लिखेंगे tn is equal to ar n minus 1, इसका मान दिया 64, a का मान दिया 1, r का मान दिया 2, पावर n minus 1, ये 64 is equal to 2 पे पावर n minus 1, तो 2 पे पावर हो गया 6, 2 पावर n minus 1, 2 और 2 का या 6 equal to n minus 1, तो n का मान कितना आया 7, कितना है सर। तो ये मेरा जीपी कंडीशन के तहत एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज आपका 2A है। अब आपको बताने वाले 2B, तो इसको देखिएगा, ये इसको देखिएगा, कोई भी समस्या हो तो हम इसको कमेंट में पूछिएगा सर, ठीक है। पढ़ने का बस छोटा तरीका है, आपको करना कुछ नहीं, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और उस एप्लीकेशन में जो भी दिया हुआ टर्म्स उस टर्म्स को फॉलो करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन को बताइए। अब बताएंगे आपको एक्सरसाइज 2B।